हेलो नमस्ते दोस्तों, अंजू शर्मा किचन में आपका फिर से स्वागत हो नई रेसिपी के साथ। तो आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही आसानी से बनने वाली, बाजार से भी महंगी मिठाई आप घर पे आसानी से बना सकते हैं, और वो भी बहुत कम खर्च में, बहुत कम बजट में। तो आप देख सकते हैं ये मैंने ले ली है कढ़ाई। तो कढ़ाई में मैंने डाल दी है 1 कटोरी दूध की, थोड़ा सा और डाल दें जैसे 1.5 कटोरी दूध की। गैस मैंने ऑन अभी नहीं की है। इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर 1 कटोरी, और एक डाल देंगे शक्कर जैसे चीनी की 1 कटोरी, थोड़ा सा और डाल देंगे। तो ये बहुत ही आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। और गैस मैंने अब ऑन की है, इसको लो फ्लेम पे ही पकाएंगे इसको, और इसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम कम ही रखें, नहीं तो ये जैसे ये चलने लगेगी चीनी और दूध। इसको धीमी आंच में इस तरीके से मिक्स करके पकाएंगे, और 1 चम्मच मैंने घी की डाल दी है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये सभी अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये बाजार जैसी महंगी मिठाई आप घर पे बना सकते हैं, वो भी नारियल की बर्फी। तो बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही आसानी से आप घर पे बना सकते हैं, कभी मेहमान है या कभी त्यौहार हो। तो इसमें डाल देंगे इलायची तो पाउडर, अगर आप खाना पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं स्किप भी कर सकते हैं। तो गैस की फ्लेम कम करके इसको धीमी आंच में अच्छे से पकाएंगे। तो ये मिठाई खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और बनने में बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं दूध में अच्छे से उकाल आना शुरू हो गया है। तो इसको धीमी आंच में ही पकाएंगे। ये डाल दें मैंने नारियल बुरादा, जैसे नारियल का पाउडर, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये डाल देंगे 2 कटोरी, तो इसको भी लो फ्लेम पे ही पकाएंगे, और इसको लगातार चलाएंगे ताकि कढ़ाई से बिल्कुल भी नहीं लगे। हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो आप देख सकते हैं इसको अच्छे से धीमी आंच में पकाएंगे, जब तक पकाएंगे जब ये डो की फॉर्म में आना शुरू नहीं हो। तो मिठाई बहुत ही जल्दी बना के तैयार होती है। अगर त्यौहार हो या कभी मेहमान आए या आपको घर पे मीठा खाने का मन हो, तो ये बस 5 मिनट में बनके मिठाई तैयार हो जाती है। तो आप आसानी से घर पे बना सकते हैं, वो भी कम खर्च में और बहुत शुद्ध तरीके से। आप बाजार जैसे महंगी मिठाई घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डो हमारा अच्छे से बनना शुरू हो गया है। तो इसमें डाल देंगे येलो फूड कलर, अगर आप पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं स्किप भी कर सकते हैं। और इसको और भी अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं मिठाई ये जैसे ही पकना शुरू हो गई है, रेड ऑफ की फॉर्म में आना भी शुरू हो गई है। तो इसको धीरे धीरे गैस की फ्लेम कम करके इसको और भी अच्छी तरीके से पका लेंगे। या कोई त्यौहार हो तो आप त्यौहार पे भी आसानी से जैसे बना सकते हैं। मेरे बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आएगी मिठाई। तो आप देख सकते हैं गैस मैंने बंद कर दी है। गैस बंद करने के बाद में भी इसको अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि कढ़ाई थोड़ी गर्म होती है तो ये पींदे से लग सकती है, पर पींदे के लगने से मिठाई की जैसे टेस्ट अच्छा नहीं होता है। तो इसको और भी इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से डो के फॉर्म में आ जाए। तो आप देख सकते हैं मिठाई अच्छे से डो के फॉर्म में आ गई है। तो अभी डो हमारा गर्म है, तो इसको और भी अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स करके चलाएंगे ताकि ठंडा भी हो जाए और अच्छे से मिक्स भी हो जाए। तो गैस के नीचे मैंने कढ़ाई को उतार लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें से मिठाई और भी अच्छे से बन पाएंगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी लोई लेकर इसको
पेड़े साइज में बना लेंगे। अगर आप बर्फी साइज में भी पसंद करते हैं मिठाई को, तो उसमें डब्बे में सेट करके इसको बर्फी साइज में भी बना सकते हैं। इस तरीके से छोटी छोटी लोई लेकर इसको इस पेड़े साइज में बना लेंगे सारी मिठाई को। एक प्लेट ले ली है, प्लेट में इस मिठाई को रख देंगे और दूसरी भी लोई लेके इस तरीके से इसको भी बना लेंगे, इस मिठाई को भी। तो आप देख सकते हैं ना, बहुत ही आसानी से आप घर पे इस तरीके से बना सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्च में और बिना मेहनत के। ज़्यादा इसमें मेहनत भी बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो इस तरीके से सारी मिठाइयों को बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से सारी मिठाइयों ने मैंने बना ली है। और ये ले लेंगे नारियल बुरादा और जैसे इसमें कोट कर लेंगे मिठाइयों को। तो मिठाई दिखने में बहुत सुंदर दिखेंगी, जैसे बाजार जैसी महंगी मिठाई लगेंगी इस तरीके से आप कोट करेंगे तो। तो सारी मिठाइयों को इस तरीके से मैंने कोट कर लिया, आप देख सकते हैं। और ये ले लेंगे पिस्ता, पिस्ता से भी इसको थोड़ा सा सजा देंगे ताकि मिठाई दिखने में और भी सुंदर लगेंगी। अगर आपके पास पिस्ता नहीं है तो आप इसकी भी कर सकते हैं। तो ये ले लेंगे सर्विंग प्लेट, इसमें मिठाइयों को सारे को इसी तरीके से सर्व कर लेंगे। तो हमारी आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।